वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका ये साल बहुत अच्छा हो, बहुत धमाकेदार हो, बहुत यू नो शुभ हो। लोग क्या करते हैं ना, न्यू ईयर में तरह तरह के रेजोल्यूशंस ले लेते हैं, तो मैं बोलना चाहूंगी कि ठीक है, रेजोल्यूशंस लो, बिल्कुल गलत नहीं है, पर ऐसे लो जो कि आप यू नो फुलफिल कर सको। अगर आप बड़े रेजोल्यूशंस ले रहे हो तो हिम्मत रखो उस रेजोल्यूशंस को निभाने की, क्योंकि आदतें बदलो तभी जिंदगी बदलेगी। ओके, तो बिना आपका और मेरा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हर बार एक वायरल प्रोडक्ट लेकर आती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसका यूसेज क्या है, इसको अच्छे से यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है या नहीं। ठीक है, तो आज भी उसी तरह मैं एक और प्रोडक्ट के साथ आई हूँ। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है फेस एंड बॉडी वाइटनिंग क्रीम। जी हाँ, इस तरह का कुछ वो दिखता है। इसके बारे में आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यू ना भी वायरल में चल रहा है। तरह तरह के वीडियोज़ आपको मिल रहे होंगे इसके ऊपर, यूट्यूब पर देखो, लॉन्ग वीडियोज़ देख लो या फिर शॉर्ट्स में तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। यू नो लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे वीडियोस में दिखा रहा है कि लोग लगा रहे हैं एक साइड पे और वो साइड बिल्कुल यू नो वाइट हो जा रहा है, कुछ उसमें यू नो काला है ही नहीं, पूरा वाइट हो जा रहा है और आप उसको वॉश कर रहे हो, जो कर रहे हो वो हट ही नहीं रहा है, वो लाइक परमानेंट वाइटनिंग हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये सब सच है और क्या आपको ये यूज़ करना चाहिए? तो अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। ये जो फेस एंड बॉडी वाइटनिंग क्रीम है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? तो इसमें है वाटर, ग्लिसरिन, मिनरल ऑयल, ट्राइग्लाइसेराइड, इथाइल एक्सिल, पैलमिटेट, सिटायरिल ग्लूकोसाइड, सिटायरिल ओलिवेट, ब्यूटाइलिन ग्लाइसॉल, ग्लाइसरेज़ा, ग्लैबा रूट एक्सट्रैक्ट, PPG26 ओलिएट, सिटायरिल पैलमिटेट, नियासिनामाइड, सिटायरिल एल्कोहल, साइक्लोपेंटासिलोक्सेन, डाइमेथिकोन, बिटेन, प्रोपाइलेन ग्लाइकोल, डियाजोलिडिनिल यूरिया, लोडोप्रो पाइनिल, ब्यूटाइल कार्बोमेट, ओराइजेनोल, पोटेशियम सिटाइल फॉस्फेट, डिपोटेशियम डाइसरहिजिनेट, ब्रासिका कैम्पेस्टर स्टेरॉल्स, एलेंटोइन, मिथाइल पैराबेन, टोकोप एरिल एसिटेट परफ्यूम, एट्रैक क्लाइडोइड्स, मैक्रोसेफाला रूट एक्सट्रैक्ट, ब्लेटिला स्ट्रियाटा रूट एक्सट्रैक्ट, प्रोपिल पैराबेन, सोडियम हायलुरोनेट, डिसोडियम EDTA। तो अभी जो मैंने इतने लंबे चौड़े यू नो नाम बोले, इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, आई होप आप में से बहुत लोगों को समझ में नहीं आए होंगे क्योंकि ये जो है ना, ये साइंटिफिक नेम्स है। ठीक है, तो हमारा मेन मोटो ये समझना है कि ये क्रीम वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, इसका यूसेज है या नहीं। ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं यानी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल तो नहीं है, है ना। अब देखते हैं इस क्रीम के क्लेम्स क्या क्या, मतलब इस क्रीम से क्या क्या होता है। तो फर्स्ट, इंस्टेंट ब्राइटनिंग स्किन। इंस्टेंट मतलब तुरंत आपकी स्किन बिल्कुल यू नो ब्राइट हो जाएगी, एकदम चमकने लगोगे आप। ठीक है, इंस्टेंट ब्राइटनिंग का मतलब ये हो रहा है इसमें। नेक्स्ट है, कैन बी यूज्ड अलोन और बी मिक्स्ड विद फाउंडेशन। आप चाहें तो इसको यू नो अकेले भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फाउंडेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फीचर नॉन ग्रीसी टेक्सचर, इसका जो टेक्सचर है वो नॉन ग्रीसी, आप आराम से इसको लगाएं। मॉइस्चराइजेज योर स्किन, आपके स्किन को ये मॉइस्चराइज करता है, यू नो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर देता है आपके स्किन को। ठीक है, नेक्स्ट है, मेकिंग योर स्किन सॉफ्ट एंड सिल्की। अब ऑब्वियसली हर लड़की चाहती है कि उसकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और सिल्की होती है, वही कर। और इसमें गोट मिल्क भी है और ये क्या है, ये अल्कोहल फ्री है। ठीक है, इसमें किस तरह का अल्कोहल नहीं है, तो जो लोग को थोड़ी दिक्कत आती है तो आप आराम से इसको, अगर ये अच्छा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं है। अब आते हैं इसके प्राइस पे कि इसका प्राइस क्या है। क्या होता है कि जब भी हम कुछ खरीदते हैं ना, तो हम सबसे पहले प्राइस ही देखते हैं क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है यार। कोई भी इंसान हो, सबके लिए प्राइस मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि एक रुपये भी फ्री में नहीं आता। ठीक है, तो एक रुपये में बिना मेहनत के नहीं आता। तो कभी कभी क्या होता है कि हम ऑर्डर कर लेते हैं, क्रीम आ भी जाती है, जो भी प्रोडक्ट है आपका आ जाता है, आप यूज़ कर ले तो उसके बाद आपको पता लगता है कि ओ शिट ये तो ख़राब है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप वापस भी नहीं कर सकते, आपकी स्किन पे वो काम भी नहीं कर रहा, आप उसको वापस भी नहीं कर सकते, मतलब आपका पैसा वेस्ट, स्किन तो ख़राब हुई साथ में आपका पैसा भी वेस्ट हुआ। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले, छोटा से छोटा प्रोडक्ट लेने से पहले। प्लीज़ वॉच रिव्यूज़, रिव्यू देखें। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको मेरा रिव्यूज़ पसंद हो तो मेरे रिव्यूज़ देखिए, किसी और के पसंद हो तो किसी और के पसंद देखिए, पर रिव्यूज़ ज़रूर देखिए, ऐसे ही बिना कुछ देखे समझे कुछ नहीं ले लें। ठीक है, क्योंकि लोग रिव्यूज़ बनाते हैं ताकि लोग अवेयर हो सके। ठीक है,
अब देखते हैं डायरेक्शंस टू अप्लाई. इसको अप्लाई कैसे करें, बहुत लोग क्या करते हैं यहीं पर गलती कर देते हैं. प्रोडक्ट में आते हैं और अप्लाई करने समय उनको गलती हो जाती है, तो सही प्रोडक्ट भी यू नो गलत काम कर रहा था अगर आप उसको गलत से अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो अब देखते हैं इसका डायरेक्शंस टू अप्लाई क्या है. अप्लाई ऑल ओवर बॉडी, पूरे बॉडी में इसको अप्लाई कर ले. आफ्टर वॉशिंग अप्लाई टू द बॉडी ऑफ द अफेक्टेड एरिया. वॉश करने के बाद आपको लग रहा है जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे लगाएं, या फिर आपको लग रहा है पूरे स्किन डल है यू नो तो वहाँ पे लगाएं, जहाँ पे भी आपको जरूरत है वहाँ पे लगाएं. Gently pat on your neck after putting on makeup to adjust skin tone. Okay, अगर आपने मेकअप लगाया है तो अपने नेक पे इसको पैट कर ले ताकि आपका जो स्किन टोन है वो एडजस्ट हो जाए. ठीक है, मिक्स विद अदर बॉडी क्रीम टू ब्राइटन योर स्किन टोन. बहुत लोग क्या करते हैं कि मिक्स कर लगाते हैं. ठीक है, तो मिक्स करके लगाने में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से लगा सकते हैं. ठीक है, कीप द प्रोडक्ट इन शेडी प्लेस टू अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट. बहुत लोग क्या करते हैं ना, यू नो प्रोडक्ट को कभी कभी जाते हैं छत में ले जाते हैं, छोड़ देते हैं वहीं, भूल जाते हैं. ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लापरवाही करते हैं, पर हो जाता है कभी कभी. ठीक है, तो प्लीज़ कीप इट इन योर रूम प्रॉपरली, अच्छे से अपने रूम में रखें. ठीक है, अच्छे से रखें इसको. और नेक्स्ट है इसमें प्लीज़ कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन. बच्चों से तो बिल्कुल भी दूर रखें, बच्चे खा भी सकते हैं राइट. और ये प्रोडक्ट खाने के लिए नहीं है, लगाने के लिए. बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मेरे चेहरे पर तो खुद ही ना इतने सारे दाग है, तो मैं कैसे क्यों ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स का रिव्यू दे सकती हूँ. राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि क्या हुआ था ना कुछ दिनों पहले, यू नो क्या होता है ना, जब इंसान का मूड ठीक नहीं होता तो उसको कुछ करने का मन नहीं करता है. ठीक है, तो मेरे साथ भी कुछ यू नो कुछ दिनों पहले से मैं मूड ठीक नहीं था. कुछ दिनों पहले तक तो मैं इवन फेस वॉश तक नहीं करती थी. उसका यही नतीजा है कि मेरे फेस पे ये हो गया. सोने से पहले मैं फेस वॉश तक नहीं करती थी. ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आप सबसे पहले आते हो. आप नहीं रहोगे तो फिर और चीज़ें क्या होंगी आपके साथ. सबसे पहले आप आते हो, अपना ध्यान रखो, अपने स्किन का ध्यान रखो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, सब कुछ आपके बाद, सबसे पहले आप. ठीक है, मैंने इस चीज़ से यही सीखा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ रिव्यू प्रोडक्ट्स के, ताकि आप कुछ कलर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना करो, आपका पैसा वेस्ट नहीं हो यार, क्योंकि पैसे की बहुत अहमियत है. तो अब देखते हैं इसका सेफ्टी इन्फॉर्मेशन क्या है. तो इसका है, डू नॉट अप्लाई टू वॉन्टेड और स्वेल्ड स्किन एरियाज. जैसा कि मैंने कहा था, जहाँ पे आपको चोट लगी हुई है वहाँ पे इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करें. जहाँ पे फुला हुआ है थोड़ा सा आपका स्किन, चोट लगकर ऐसा हो गया, तो वहाँ पे भी नहीं अप्लाई करें. ठीक है, वहाँ पर लगाने से बचे. ऐसा नहीं कि सब लगा रहे तो मैं भी लगा लेती हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं. आपका सबका स्किन टाइप अलग होता है, चोट लगती है वहाँ पे तो बिल्कुल भी ना लगाएं. ठीक है, नेक्स्ट है, डू नॉट अप्लाई टू प्राइवेट एरिया. इसका मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं. ठीक है, क्योंकि प्राइवेट एरिया का मतलब तो सबको ही पता होता है, इतना तो सबको ही पता है. ठीक है, तो वहाँ पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करें, क्योंकि वो स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और वहाँ पे कुछ हो जाए तो बहुत ये अच्छा नहीं है आपके स्किन के लिए. ठीक है, बहुत इन्फेक्शन हो सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे क्रीम क्या होता है ना, हार्श होते हैं, तो सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं होते हैं. तो प्लीज डोंट अप्लाई टू दोस एरिया. नेक्स्ट है, इफ यू फाइंड एनी इरिटेशन आफ्टर अप्लाइंग द प्रोडक्ट, प्लीज स्टॉप यूजिंग इट एंड कंसल्ट विद द मेडिकल पर्सन. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है इसमें कि अगर आप लगा लिए प्रोडक्ट, ठीक है, आपका स्किन बिल्कुल ठीक है, जला वाला में आपने नहीं लगाया, बस आपने यूज किया, ठीक है, पर उसके बाद भी आपको इरिटेशन हो रही है, जलन हो रही है, खुजली हो रही है, किसी भी तरह की इरिटेशन हो रही है ना, प्लीज इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात करें, जो भी आपके डॉक्टर आसपास हैं, फिर कोई फैमिली डॉक्टर उनसे बात करें, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है जो कि जिंदगी भर आपके बॉडी में रह सकता है. लोग मजाक में लगा लेते हैं, सस्ता मिल रहा है ले लेते हैं, पर नहीं, बॉडी का सवाल है, सब कुछ देख कर लें, और कुछ भी हो तो प्लीज डॉक्टर के पास जाएं. ओके, तो अब बात करते हैं क्या ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये प्रोडक्ट यूज मत करना, क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं है. आप इसको लगाओ कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए लगा कि आपका स्किन पूरा चमक गया, गोरा हो गया, फिर आप वॉश करोगे, ये वॉश के साथ निकल भी जा रहा है. जैसे कि प्रोडक्ट में आप देख सकते हो कि वॉश के साथ रह जा रहा है, वॉश कर रहे पर भी हट नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो प्लीज डोंट यूज दिस प्रोडक्ट. ओके, तो ठीक है, यही था आज का मेरा वीडियो. आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो. वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर. हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीना इसी का नाम.